नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आपके परिवार वाले, आपके स्वजन, आपके प्रियजन सब सुरक्षित होंगे और सब बिल्कुल मस्त होंगे। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। और साथियों, जो कि हमारी सीरीज चल रही है साइंस की, जिसमें हम बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें हमारा पिछला जो चैप्टर था वो था पाचन तंत्र और दूसरा है परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन में हमने ब्लड और ब्लड ग्रुप को डिस्कस कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हार्ट। वो क्या है? हार्ट। हार्ट जो साथियों हमारा की एक पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है, हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण डोर है। अगर हमारा हृदय धड़कना बंद कर दे तो हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी डेथ हो जाएगी। हम हृदय के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं हृदय के बारे में, इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि और तमाम इसके फैक्ट जो कि परीक्षाओं में हमको हमेशा परेशान करते हैं। ओके साथियों, चलिए तो देखिए, यहाँ एक प्यारा सा फिगर है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हृदय की संरचना कैसी होती है और ये क्या क्या चीज़ों में, किन किन बातों में हमारे लिए महत्वपूर्ण एक अंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पे ये देखिए हृदय की एक फिगर है, हृदय का, जिसमें आप हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है। देखिए देखिए, सबसे पहले जानिए कि हृदय जो है बना किसका होता है। हृदय जिन पेशियों का बना होता है उन्हें कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। हृदय अनैच्छिक पेशियों यानी इसे नॉन वॉलेंट्री मसल्स। अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? नॉन वॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक पेशियां, ऐसी पेशियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। दूसरी बात, यहां पे क्वेश्चन और आता है कि हृदय जो है, हृदय की जो पेशियां होती, जो हृदय का जो ऊतक होता है उसे कार्डियक टिश्यू, हृदय कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल्स, माने इसे हृदय पेशियां भी कहते हैं। कार्डियक मतलब क्या? हृदय। तो दो बातें होती हैं, तो हृदय किन पेशियों का बना होता है? तो यह अनैच्छिक पेशियां जिन्हें कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यू भी कहते हैं, उनका बना होता है। दूसरी बात, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली का आवरण होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है हृदय के चारों ओर। ये देखिए यहाँ पे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय पेरिकार्डियम, इसे क्या बोलते हैं? हृदयावरण। क्या बोलते हैं? हृदयावरण, हृदय का आवरण। हृदय पेरिकार्डियम नामक आवरण से घिरा होता है और यह वक्ष गुहा में, मतलब थोरेसिक कैविटी, माने जो चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, यहाँ पर हल्का सा बाईं ओर माने मध्य भाग में दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाईं ओर, मतलब बाएं फेफड़े के हल्का सा नजदीक, और ये पेरिकार्डियम नामक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक मांसल, एक मस्कुलर संरचना है, जिसमें मैंने क्या कहा, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। अब देखिए, जो पेरिकार्डियम है यह हृदय को क्या करता है? एक आवरण यानी एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के रूपी आकार प्रदान करता है। दूसरी बात, इस आवरण के भीतर एक लिक्विड या एक फ्लूड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, यानी हृदयावरणी द्रव, हृदयावरणी द्रव कहते हैं उसे, पेरिकार्डियल
पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदयावरण लिखा है ना, तो हृदयावरणी द्रव माने हृदयावरणी द्रव जो होता है या हृदय को बाहरी चोट से, आघात से या किसी भी हानियों से बचाता है। ठीक, तो समझ आया, हृदय जो है दोनों फेफड़ों के मध्य हल्का सा बाई ओर, ठीक बाई ओर डायाफ्राम, देखिए हमारे बॉडी में एक डायाफ्राम होती है ऐसे, जो कि डायाफ्राम के ठीक ऊपर, डायाफ्राम के ठीक ऊपर हल्का सा बाई ओर स्थित होता है और इसके चारों ओर एक हृदयावरण होता है माने पेरिकार्डियम का मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एक हृदयावरणी द्रव भरा होता है जो हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करता है। दूसरी बात आगे देख लेते हैं, हृदय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो हृदय का जो आकार होता है वह बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी यानी शंक्वाकार कुनियल, तो हृदय का आकार जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है और यह पुरुषों में यानी मेल में या मेल में लगभग 300 ग्राम और फीमेल में लगभग 250 ग्राम भार की एक संरचना है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों में लगभग 300 ग्राम, महिलाओं में लगभग 250 ग्राम और ये गुलाबी कलर यानी पिंक कलर का होता है। ठीक, हृदय जो है एक मांसल स्ट्रक्चर है जो गुलाबी कलर की होती है, पुरुषों में 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम और इसके चारों ओर एक आवरण होता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं और उसमें एक द्रव भरा होता है जो हृदय की बाहरी चोटों से रक्षा करता है। ये तो हो गया हृदय का बाहरी स्ट्रक्चर माने उसमें जो फैक्ट है। अब आइए देखते हैं भीतरी बातें जो हमको एग्जाम में आती है, हमारा हमसे क्वेश्चन ग्रुप में पूछा जाता है। अब देखिए, ये हृदय का बाहरी स्ट्रक्चर है, जितनी आप लाल संरचनाएं देख रहे हैं, लाल संरचनाएं ये देखिए, जो हम लाल संरचनाएं देख रहे हैं ना, ये देखिए लाल संरचनाएं, ये देखिए यहां से निकला है, यहां से निकला ये और आपका पूरा ये भाग, ये देखिए पूरा भाग, तो ये जो लाल भाग है ये सभी क्या है, ये है आपका शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त यानी ऐसा रक्त जिसमें O2 मिला हो, शुद्ध रक्त का शुद्ध रक्त माने ऐसा ब्लड, ऐसा रुधिर जिसमें O2 मिला हो, इसे कहते हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ही क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। ओके, अब ये कैसे होता है इसको हम बताते हैं आपको। देखिए, जब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कल मैंने बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन आयरन युक्त वर्णक है जो रुधिर को चटक लाल रंग प्रदान करता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संबंध या ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह एक यौगिक का निर्माण करता है जिसे कहते हैं HbO2 यानी इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, इसे क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और HbO2 ही क्या है, प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड मतलब क्या, शुद्ध रक्त। ओके साथियों, समझ आ रहा है, हीमोग्लोबिन के मिल जाने पर ब्लड जो है शुद्ध होता है, इसे क्या बोलते हैं HbO2 यानी इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और यही क्या है, यही प्योर ब्लड है। चलिए अब देखिए, हृदय जो है, हृदय में देखा जाए तो इसमें हृदय में चार कोष्ठक होते हैं, हृदय में चार कोष्ठक यानी चार चेंबर होते हैं जो दाहिने और बाएं भाग में बटे होते हैं, ऐसा नहीं कोई डिवाइड होता, जो डिवाइड ऐसा नहीं होता जैसे, देखिए खुद से मालूम चल जाता है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक जो धारी है, ये देखिए हृदय को बांट रही है, ये देखिए एक लाइन है जो हृदय को बांट रही है, हृदय हल्का सा कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक धारी है, ये देखिए एक धारी ये है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया है, इन दोनों को हम कहते हैं आलिंद कहते हैं, क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं,
इन दोनों को हम आलिंद कहते हैं। आलिंद, आलिंद का मतलब क्या होता है? आट्रियम या आरिकल, आट्रियम या आरिकल। हृदय में जब सबसे पहले ब्लड आता है तो वो आलिंद में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। हृदय में सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? आलिंद में आता है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे स्टैंड हो जाऊँ, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो सपोज ये जो मेरा हार्ट है, ये हार्ट मेरा दो भाव में बढ़ जाएगा। माने ये जो दीवार यहाँ पे होती है, दीवार ये एक आभासी वर्चुअल दीवार है, ठीक। तो इस दीवार को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेप्टम। क्या बोलते हैं इस दीवार को? सेप्टम। माने सेप्टम एक ऐसी दीवार है जो हृदय को दो भागों में बांट देती है। सेप्टम एक ऐसी दीवार है जो हृदय को दो भागों में बांट देती है, दाहिने और बाएं भाग में। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा ये बायां भाग और ये दाहिना भाग, देखिए ये दाहिना भाग ये बायां भाग। तो जो ब्लड सबसे पहले आता है वो आता है दाहिने भाग में। कैसे? देखिए ये नीली रंग की संरचना है, यहाँ नीचे से और यहाँ ऊपर से, नीली रंग की संरचना नीचे से और ऊपर से। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं महाशिरा, माने अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं एक फिगर वापस बना दूंगा जिससे आपको लगेगा, समझ आ जाएगा आपको। देखिए एक सिरा जो ऊपर से निकलती है, एक सिरा जो ऊपर से आती है और एक सिरा जो नीचे से आती है, ये दोनों सिराएं, अभी हम सिरा धमनी सब क्लियर करेंगे। तो दो सिराएं ऊपर से और नीचे से, दो सिराएं आती हैं जिन्हें हम अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा कहते हैं। दोनों ऊपरी बॉडी का और निचली जो लोअर बॉडी है, उन दोनों के ब्लड को लाकर कहाँ जाती है? हृदय के दाहिने आलिंद में। मतलब सबसे पहले जो रुधिर है वो कहाँ आता है? दाएं भाग में। अब देखिए जो रुधिर या जो ब्लड दाएं भाग में आता है, देखिए यहाँ बनाया ना मैंने दाया भाग, तो जो रुधिर या जो ब्लड दाहिने भाग में आता है उसे हम अशुद्ध रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध रुधिर कहते हैं। कैसे? क्योंकि उस रुधिर में CO2 होता है, CO2 यानी अशुद्ध रुधिर, और जब O2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध रुधिर, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने बोला दाहिना भाग बायां भाग, यहां देखिए कि बनाते हैं स्ट्रक्चर हम। ये दीवार मैंने एक बांट से बोल दिया, ऐसे हो गया। ये देखिए यहां पे 1, 2, 3 और ये 4, चार खाने हो गए। यहां पे एक सिरा आ रही है ऐसे, देखिए ये सिरा आ रही है, ये वाली सिरा, और यहां पे एक सिरा जाएगी नीचे से, ठीक है, ये इसमें जाएगी, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अग्र महाशिरा और इसको बोलते हैं पश्चिम महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, इनका काम ये है कि ये पूरी बॉडी का ब्लड हृदय के दाहिने आलिंद में लाकर के छोड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका दाहिना आलिंद है, ठीक है, दाहिना आलिंद, यहां से ब्लड है जो, यहां से ब्लड फिर से पास करेगा, ठीक है, यहां से ब्लड पास करेगा, किसमें आएगा? निचले भाग में, हृदय के निचले भाग में। निचले भाग को कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय, या इसे कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? निलय या वेंट्रिकल। अब देखिए दाहिने भाग में वाल्व होती है, दाहिने भाग में 3 वाल्व होती है, 1, 2 और 3, ठीक है, दाहिने भाग में 3 वाल्व होती है। ये वाल्व हृदय में जो ब्लड आता है उसको निचले भाग में जान देती हैं। देखिए एक वाल्व नीचे से ब्लड आने के लिए है, एक वाल्व ऊपर से ब्लड आने के लिए है, और एक वाल्व जो है नीचे से ब्लड क्या नीचे जाने देने के होती है, 3 वाल्व होती है दाहिने साइड में। अब जब नीले में ब्लड पहुंचता है तो यहाँ पे पंप होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप रुधिर क्या करता है? रुधिर को उछालता है, ठीक है, रुधिर को उछालता है। अब देखिए यहां पर जब रुधिर बाहर निकलता है कहां जाएगा वो? इसमें, ठीक है, कहां जाएगा वो? इधर से बाहर निकलेगा, बाहर माने कहां? हृदय के बाएं भाग में जाने के लिए। देखिए कैसे, समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा।
अब देखिए मैंने क्या बोला कि रुधिर आ जाएगा, उसके बाद रुधिर क्या होगा, दाहिने भाग में निचले भाग में रुधिर जो है पंप होगा, और वो क्या होगा, एक धमनी होती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, या इसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस क्यों बोलते हैं, फुफ्फुस इसलिए बोलते हैं कि यह फेफड़े में जाती है, फेफड़े माने लंग्स में जुड़ी होती है, फेफड़े को फुफ्फुस बोलते हैं। अब देखिए वैसे तो कहा जाए तो जो धमनी होती है माने जो आर्टरी होती है, धमनी में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, ध्यान दीजिएगा धमनियों में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग में होती है, ध्यान दीजिएगा दाहिने भाग में होती है, राइट साइड में, और यह इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों में ले जाती है, कहाँ पे, बाएं और दाएं फेफड़ों में, बाएं और दाएं फेफड़ों में, ठीक है। चलिए तो फुफ्फुस धमनी में ब्लड जो है कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। जैसे ही ब्लड फेफड़ों में पहुंचेगा तो आपको याद है या मालूम भी होगा फेफड़े में ओटू होती है ऑक्सीजन, ठीक, फेफड़ों में हमारे ओटू होती है, जैसे ही ब्लड फेफड़ों में पहुंचेगा इससे ओटू मिल जाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा, और वापस जो है ब्लड अब फिर से हार्ट में आने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कैसे आएगा, अब देखिए उसके लिए दोनों फेफड़ों से फिर एक पल्मोनरी वेंस माने फुफ्फुस सीरा में अशुद्ध रक्त माने इम्प्योर ब्लड बहता है, क्यों मैंने बताया ना सीरा जो है वो पूरे अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो ब्लड होता है वो हार्ट में लेके आती है, ठीक, लेकिन जो फुफ्फुस सीरा है यह दोनों फेफड़ों से ब्लड को कहाँ लाती है, हार्ट के लेफ्ट साइड में बाएं भाग में। देखिए यहां से जो है ना ये देखिए फुफ्फुस सीरा है, ये क्या है, ये फुफ्फुस सीरा, और ये जो है ये क्या है, फुफ्फुस धमनी, देखिए यहाँ पे निकली है और एक यहाँ पे निकली है, ध्यान दीजिएगा फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा रही है कहाँ पे, फेफड़ों में, यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक, और जो फुफ्फुस सीरा है वो ब्लड को ले आती है कहाँ पर, हृदय के लेफ्ट साइड में, देखिए कैसे, ये देखिए ये फुफ्फुस सीरा है, दिख रहा है आपको, और ये फुफ्फुस सीरा है, क्लियर। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाएगी फेफड़ों में, फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त को ले जाएगी फेफड़ों में, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से फेफड़ों में ब्लड आया, अरे हृदय में बाएं भाग में ब्लड आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए जो है बायां आलिंद, क्या है ये, बायां आलिंद। अब जो बायां आलिंद है उसमें ब्लड पहुंचेगा तो वहां पर माने लेफ्ट साइड में दो वाल्व होती हैं, राइट, लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, दो वाल्व होती हैं। अब जो ये दो वाल्व होती हैं लेफ्ट साइड में, ये क्या करेंगी, ब्लड को नीचे जाने देंगी, वापस ब्लड यहां से, ये बायां आलिंद, यहां से ब्लड क्या होगा, नीचे जाएगा, इसमें लोअर जो निचला है, लोअर वेंट्रिकल माने निचला वाला नीला है, निचला जो नीला होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, ये यहाँ से फिर ब्लड को पंप करेगा। और देखिए साथियों यहाँ पर देखिए ये नीचे एक नली लगी है, देख रहे हैं आप, और ये ऊपर ये नली लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये नीचे और ऊपर, इसको हम कहते हैं महाधमनी, क्या कहते हैं, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, इसे बोलते हैं आरटा, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। अब जो ब्लड शुद्ध हो चुका है उस ब्लड को महाधमनी
यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी, मतलब हृदय से बाहर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी। क्लियर हुआ ये बातें? फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे आपको। हृदय को दो भागों में कौन बांटता है? सेप्टम बांटता है, दाहिने और बाएं भाग में। सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? दाहिने भाग में। दाहिने भाग का ब्लड कैसा होता है? वो अशुद्ध होता है, और इसमें सबसे पहले कहाँ आएगा? आलिंद में। ठीक है, दूसरी बात, चार चैम्बर होते हैं, दो आलिंद और दो निलय। ठीक है, दो आलिंद और दो निलय। आलिंद बड़े होते हैं, निलय छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ब्लड यहां से आगे बढ़ता है और जाता है फेफड़ों में फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस आता है, फिर जो है महाधमनी के द्वारा पूरा जो शुद्ध ब्लड है वो बाहर निकल जाता है, और ब्लड जो बाहर निकलता है वो कोशिकाओं में ऊतक में पहुंचा जाता है, और वहां से जो रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इनको जोड़े रखती हैं, धमनी और शिरा को, वो ब्लड को वापस सर्कुलेट करती रहती हैं। अब देखिए, देखते हैं कैसे हृदय में, हमने बताया था कल कि एक व्यक्ति के, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है 60 किलो का, तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, अब देखिए हृदय में एक बार में 70 ml ब्लड आता है, 70 ml ब्लड, और हृदय की जो गति होती है वो होती है 72 स्पंदन या 72 साउंड पर मिनट। माने जो हृदय की धड़कन होती है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार वो बीट करता है। ठीक है, मतलब हृदय की जो हार्ट बीट होती है वो कितना होती है? 72 बार पर मिनट, और यह एक बार में 70 ml ब्लड जो है यहाँ से कहाँ से? यहाँ आलिंद से लेता रहता है। अब देखिए, अब आपके कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, चलिए अब देखते हैं। मैंने क्या बोला कि हृदय में, हृदय की दीवार में एक बार में 70 ml ब्लड अंदर आता है, और धड़कन कितनी होती है? 72 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हमने क्या बोला कि जो हृदय की दीवार में ब्लड लाती है वो कौन सी शिरा है? अग्रमहाशिरा, अग्रमहाशिरा और पश्चिमहाशिरा। ये यहाँ पे लाकर के ब्लड को जब छोड़ती है तो यहाँ पे एक धमनी होती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हृदय की दीवारों में रुधिर लाने वाली धमनी का नाम, हृदय की दीवारों में रुधिर लाने वाली धमनी का नाम, तो कोरोनरी धमनी। क्या? इसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी धमनी, या हृदय की भीतरी दीवारों में ब्लड लाती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक वो लगा होता है, केंद्र होता है, जिसे बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर, या इसे कहते हैं SA नोड। क्या कहते हैं? पेस मेकर या SA नोड। इसका काम क्या है? जो 70 ml ब्लड एक बार में भीतर आता है उसको आगे पुश करना और आगे भेजना। अब देखिए, जो दाहिने साइड में वाल्व होता है, जो बाएं साइड में वाल्व होता है, दाहिने साइड में 3 वाल्व होते हैं, दाहिने साइड में 3 वाल्व होते हैं, और उसे कहते हैं त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, और इसे बोलते हैं द्विवलन कपाट, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जब यहाँ पे कपाट खुलता है और खुल के बंद होता है तो एक आवाज आती है जिसे बोलते हैं लम, और जो बाएं साइड में कपाट माने जो गेट वाल्व का जो खुल के बंद होता है तो एक साउंड आती है डब। यही आपका क्या है? यही हृदय की धड़कन है, लब डब, नॉट धक धक, नॉट धक धक। वो सिर्फ गाने में अच्छा लगता है, धक धक करने लगा मोरा जियरा डरने लगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये धक धक नहीं है, ये है लब डब। ठीक, लब डब का साउंड करता है, और इसी को डॉक्टर चेक करते हैं हृदय की धड़कन नापने के लिए। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं
स्टेथोस्कोप, याद रखिएगा ये पूछता है स्टेथोस्कोप। इस मशीन के द्वारा आप देते हो, डॉक्टर अपने गर्दन में डाल रहते हैं, यहाँ कान में डालते हैं और आपका यहाँ से चेक करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप, या इसे हम कहते हैं आला। इसी के द्वारा ये हार्ट साउंड चेक करते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे पेसमेकर होता है। आजकल पेसमेकर खराब होते हैं तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लग रहा है। ठीक, अब ये जो पेसमेकर होता है इस पे कंट्रोल किसका होता है? पेसमेकर पे कंट्रोल जो होता है वो होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन में डिस्कस करेंगे, उसको वहीं बताएंगे। तो यहाँ पे जो ग्लैंड होती है उसका कंट्रोल होता है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि महाधमनी, ये जो लाल कलर की है नीचे और ऊपर, इससे ब्लड क्या होता है बाहर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लब डब का साउंड क्लियर हो गया, हृदय की गति क्लियर हो गई 72 बार पर मिनट। जब कोई हार्ड वर्क करते हैं तो गति ये बढ़ जाती है, जो 72 होती है ये 100, 110 या कुछ भी हो सकती है, जैसी आप मेहनत करें। लेकिन फिर वापस ये क्या होती है, स्पंदन घटने लगती है। क्यों? इसके लिए हमारे तंत्रिका तंत्र में एक ग्रंथि होती है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उसमें दो भागों में बटी होती है वो, जिसे बोलते हैं क्या, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी। तो वो हृदय गति बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आपको डिफाइन कर दें कि हृदय में कौन कौन सी धमनी सिरा कैसे क्या कार्य करती है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि हृदय में कुछ नलिकाएं होती हैं जो उसमें कुछ हृदय की ओर आती हैं, कुछ हृदय से बाहर जाती हैं। पहली जो नलिका है वो है धमनी, धमनी। धमनियों में प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहता है। प्योर ब्लड बहता है ये कहां से? ये हृदय से दूर ले जाती है, माने ब्लड को हृदय से दूर शरीर की ओर ले जाती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें अपवाद कौन सी है? वही आपकी पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी, जो क्या करती है, हृदय से शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाती है, फेफड़ों में, आपके लंग्स में। ठीक, अब देखिए क्लियर हो गया, धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्योंकि धमनियों में जो रक्त बहता है वो प्रेशर से बहता है, क्यों, क्योंकि जब हृदय जो सिकुड़ता है माने कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर जाता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो धमनियों में क्या है, ब्लड तेज बहेगा। दूसरा सिरा या इन्हें बोलते हैं वेन्स, इनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त माने इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहां आता है, शरीर से हृदय की ओर, ध्यान दीजिएगा, सिराएं जो है शरीर से हृदय की ओर आती हैं और धमनियां जो है हृदय से शरीर की ओर जाती हैं। सिराओं में जो ब्लड बहता है वो क्या, बिल्कुल स्लो बहता है, प्रेशर से नहीं बहता, क्यों, क्योंकि जब हार्ट जो है क्या करता है, रिलैक्स करता है, खुलता है तो ब्लड अंदर आता है। लेकिन यही बात फिर भी है, जो आपकी है पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन्स, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त आता है, कहाँ आता है, फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में, हृदय के बाएं लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिएगा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है दबाव के साथ, प्रेशर के साथ, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा
शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर लाती है। ओके, अब देखिए धमनियों और शिराओं को जोड़ता कौन है, धमनियों और शिराओं को जोड़ता कौन है, तो इन्हें जोड़ती हैं आपकी रुधिर केशिकाएं, आपकी रुधिर केशिकाएं जिन्हें बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज रुधिर केशिकाएं। ये पतली महीन संरचनाएं हैं, मतलब लाइक हेयर, जो आपके धमनियों को शिरा से कनेक्ट करती हैं। ठीक, माने जब धमनियों से ब्लड निकलता जाएगा तो वह क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। कैसे, क्योंकि O2 जो है कहाँ पे निकल जाएगा, O2 हमारी सेल्स में मिलता जाएगा और क्या होगा, CO2 आता जाएगा। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये धमनियों से और शिराओं को कनेक्ट करती है, मतलब धमनियों में O2 युक्त ब्लड होता है, शिराओं में CO2 युक्त ब्लड होता है। क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धमनियों और शिराओं में क्या होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त और शिराओं में अशुद्ध रक्त। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर की, रुधिर दाब। चलिए, अगर कोई भी डाउट्स हो इसके बावजूद तो बिल्कुल पूछिए, हम बता देंगे आपको। ब्लड प्रेशर BP, जिसे क्या बोलते हैं, रुधिर दाब। अब देखिए, हृदय का सिकुड़ना माने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं हम, संकुचन, संकुचन माने सिकुड़ना, और दूसरा क्या होता है, शिथिलन माने रिलैक्स, इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक इन दोनों का अनुपात होता है, जब सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/80, ध्यान दीजिएगा 80/120 नहीं, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करता है, लिख देता है 80/120 और बच्चे इसी को टिक मार के चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले रक्त जाता है सिस्टोलिक प्रेशर तो 120, रक्त आता है तो 80, 120/80 मिलीमीटर। अब देखिए ब्लड प्रेशर को नापते किस में है, इसे नापते हैं पारे में, तो इसे क्या कहते हैं, 120/80 mmHg। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, माने जो दबाव होता है धमनियों पर वो है 120/120, और जो आते हैं रुधिर वापस आता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक, ये होता है 80। अब इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक मशीन होती है, इसे नापने के लिए एक मशीन होती है जिसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, स्फिग्मोमैनोमीटर, इसी मशीन के द्वारा रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, और ब्लड प्रेशर को सबसे पहले घोड़े में नापा गया, किसने नापा, एच हेल्स ने किस में नापा, घोड़े में। आप जानते हैं कोई भी वैक्सीनेशन होता है तो सबसे पहले वो घोड़े को लगता है, क्यों, घोड़े की पावर आप जानते हैं, ये हॉर्स पावर होती है, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को किस में नापा गया, घोड़े में। किससे नापते हैं ब्लड प्रेशर को, स्फिग्मोमैनोमीटर से। दूसरी बात, अब कुछ बातें और कर लेते हैं आपकी, वो एडिशनल है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है, धमनियों में ब्लॉकेज होता है, धमनियों में ब्लॉकेज होता है, तो उस ब्लॉकेज को जांच करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है, याद रखिएगा इसको भी, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ये क्या होता है, धमनियों में जो अवरोध यानी जो ब्लॉकेज होता है उसकी जांच होती है एंजियोग्राफी के द्वारा, और अगर ब्लॉकेज
नहीं सही होता है तो धमनियों को चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है हर अंग जो है कृत्रिम रूप से माने आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो एक आपका हार्ट भी है, जार्विक सेवन, याद रखिए बच्चों क्वेश्चन आता है इससे, आज जो आ भी चुका है, जार्विक सेवन क्या है, यह एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है, यह एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको हार्ट के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि हार्ट में क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे ब्लड जाता है, कैसे ब्लड आता है, और कौन कौन सी बातें वहां पे होती हैं। तो एक बार फिर से ओरली रिवाइज कर लेते हैं आपको। हृदय में चार चेंबर होते हैं, हृदय की जो बीट होती है, माने जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 बार पर मिनट होती है। हृदय में अंदर जो दीवार होती है वहां पे एक बार में 70 ml ब्लड एंटर करता है, जो कि कोरोनरी धमनी होती है। ध्यान रखिएगा, हृदय की दीवारों में कौन सी धमनी है, कोरोनरी धमनी। दूसरी बात, हृदय से जुड़ी दो नली, तीन नलिकाएं होती हैं, धमनी, सिरा और एक रुधिर केशिकाएं। धमनी रुधिर को हृदय से बाहर की ओर, मतलब हृदय से दूर ले जाती है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा, सिराएं, सिराएं जो है हृदय की ओर रुधिर को ले आती है, माने पूरे शरीर का रुधिर हृदय की ओर लाती है, लेकिन वो रुधिर कैसा होता है, अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को कहाँ लाती है, हृदय के बाएं भाग में। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। और रुधिर केशिकाएं धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं। दूसरी बात, हृदय की जो धड़कन होती है उसको नापते हैं किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। यह साउंड क्या होती है, लब डपती साउंड होती है। और ब्लड प्रेशर जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120/80 mmHg, और इसे नापते किसके द्वारा है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद होगी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप मैसेज करिए आपको इनबॉक्स में, हम बिल्कुल उसका जो है निवारण करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल शेयर करिए बिना संकोच के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।